हे दोस्तों, मैं हूं दक्ष। स्वागत करता हूं आपका दक्ष वर्कआउट आइडियाज़ में। एक बार फिर हाजिर है हम एक और नए वर्कआउट आइडिया के साथ। दोस्तों, ये है डंबल रॉड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी स्पोर्ट शॉप पर मिल जाएगी, जो कि वर्कआउट के इक्विपमेंट्स रखते हैं। ये एडजस्टेबल डंबल बनाने में मदद करती है। इनको नट बोल्ट खोल के आपने देखा ही होगा, इनसे हम एडजस्टेबल डंबल बना सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये मेरे पास 5 kg का डंबल है। तो आज दोस्तों, इसी एडजस्टेबल रॉड का इस्तेमाल करके हम बारबल बनाने वाले हैं। दोनों एडजस्टेबल रॉड का इस्तेमाल करेंगे और बारबल बनाएंगे। बारबल यानी कि बड़ी रॉड। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों, बारबल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक GI पाइप की। तो सबसे पहले चलते हैं और एक जल्दी से GI पाइप लेकर आते हैं। दोस्तों, ले आया हूँ मैं GI पाइप को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है GI पाइप निप्पल। ये है 1/4 इंची। इसकी डायमेंशन साइड में भी आ रही है, 1/4 इंची इसका डायामीटर है और इसकी जो लेंथ है वो है 15 इंच। तो इसका इस्तेमाल करके हम बारबल बनाएंगे, छोटी बारबल बनाएंगे। और कौन कौन से एक्सरसाइज आप इससे लगा पाएंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें करने होंगे इसके अंदर होल। तो हम क्या करेंगे, एक निशान यहाँ पर बनाएंगे और एक निशान यहाँ पर बनाएंगे। दोनों साइड में सबसे पहले हम कर देंगे होल। दोस्तों, कर दिया है मैंने इसके अंदर दो होल, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम कर देंगे इसके ऊपर, मेरे पास जो बोल्ट हैं इसको मैं इसके ऊपर वेल्ड करूंगा यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, GI पाइप के ऊपर मैंने नट को अटैच कर दिया है, यहाँ पे इसको कर दिया है मैंने वेल्ड, और मैंने बोल्ट लेके उसके ऊपर लगा दिए हैं सरिया। जैसा कि आपने देखा, इसको ही मैंने इसके ऊपर वेल्ड कर दिया है। ये एक चाबी की तरह काम करेगा, इसके अंदर चला जाएगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से बोल्ट को अटैच कर दूंगा नट के साथ और दूसरी तरफ भी मैं इसको ऐसे लगा दूंगा। ये प्रेशराइज करेगा डंबल की रॉड को नीचे की तरफ। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे डंबल रॉड को और मैं इसके अंदर इस तरह से इसको लगा दूंगा, क्योंकि 1/4 इंची पाइप है और इसकी जो डायमीटर है वो 1 इंच का है। आसानी से इसके अंदर चला जाएगा यूं। तो आपने 1/4 इंच ही लेना है इसको और यहां से कर देंगे इसको हम टाइट। दोस्तों, पूरी तरह से ग्रैप कर लिया है पाइप ने इसको, मैंने ऊपर से टाइट कर दिया है इसको। जब भी मुझे इसको डिटैच करना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से इसको ढीला कर दूंगा, है ना, हल्का ढीला करूँगा और ये बाहर आ जाएगी। और जब मेरे को इसको लगाना है तो मैं इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, उसको टाइट कर सकता हूँ और ये बिल्कुल इसके अंदर अटैच रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इससे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आप भी ऐसी एक बारबल अपने घर में बना सकते हैं, और ये अटैचेबल और डिटैचेबल है, आप किस तरह से वेट को इंक्रीज और डिक्रीज इसके अंदर कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस पाइप यू कैन डू मोर एक्सरसाइजेस। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी और भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे, लाइक चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेसेस एंड मच मोर। तो दोस्तों आप भी ऐसी बारबल घर में बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। साथ ही साथ हमेशा की तरह देखते रहें दक्षस वर्कआउट आइडियाज़। जल्द मुलाकात होगी एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।